महाकाल की नगरी उज्जैन में महाकाल ज्योतिर्लिंग के अलावा 84 महादेव भी स्थापित हैं, जिनका अपना अपना अलग महत्व है। इन 84 महादेवों के दर्शन करना बेहद लाभकारी होता है। आइए जानते हैं इन 84 महादेव के महत्व एवं इनके इतिहास के बारे में। उज्जैन के भागसीपुरा क्षेत्र में स्थित राजस्थलेश्वर महादेव 84 महादेवों में 74वें नंबर के महादेव हैं। स्कंद पुराण के अनुसार जब पृथ्वी पर किसी भी राजा का राज्य नहीं था, तब तप में लीन राजा रिपुंजय को ब्रह्मा ने राज्य करने को कहा। राजा ने अवंतिका में राज्य करना स्वीकारा। राजा रिपुंजय जब भली भांति राज्य करने लगा तो देवराज इंद्र को उससे न केवल ईर्ष्या हुई बल्कि उसके राज्य कार्य में बाधा भी पहुंचाई, किंतु राजा ने उसकी प्रत्येक बाधा का सामना किया। तभी वहां सदाशिव अपने लाभ लश्कर और समस्त तीर्थों आदि के साथ आ गए। उस विराट स्वरूप से भयभीत राजा रिपुंजय ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं। तब सदाशिव ने स्वयं को अवंतिका का राजा बताया। तब राजा रिपुंजय ने सदाशिव की विनित भाव से प्रार्थना की तथा इन्हें इसी स्थान पर विराजने का निवेदन किया। राजा के रूप में विराजित सदाशिव यहाँ तभी राजस्थलेश्वर के रूप में पुकारे जाने लगे। कहते हैं वहाँ पूर्णोक्ति विधि से पूजा अर्चना करने पर प्राणियों को सभी मनोरथों की प्राप्ति होती है। प्रवीण मुखिया है, मैं सरकारी पुजारी हूँ, यहाँ 9वीं पीढ़ी का हूँ और भगवान की कृपा प्रसाद से दुर्लभ जीवन मुझे ब्राह्मण रूप में प्राप्त हुआ है। यहाँ पर 10वें रूप में मेरा पुत्र भी यहाँ पर है। ये भगवान जो है महादेव है, ये राजाधिराजा मन की मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। 10वीं इनकी तिथि है और जो दुर्लभ चीज़ प्राप्त करना चाहता है, राजयोग अगर प्राप्त करना चाहता है तो उसे ये प्रदान करते हैं। मनोवांछित फल प्रदान करने वाले ये देवादिदेव महादेव है जो 84 लिंग में 74 नंबर नाम से अवंतिका तीर्थ में यह विद्या तीर्थ है, विद्या तीर्थ में स्थापित है और ये आप वैशाख मास में आए भगवान आपके सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे, यही भगवान से। 84 महादेवों के महत्व को जानने के लिए और उनके साक्षात दर्शन के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक व शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसके महत्व और इनकी महत्ता के बारे में जान सकें। ओम नमः शिवाय।